आपने छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्रियों को लोगों के प्रति कार्य करते देखा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम एवं खेल मंत्री भैयालाल रजवाड़े के प्रयासों से कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकास खंड अंतर्गत ग्राम रामपुर जिला पारा निवासी राजपाल साहू के 4 वर्षीय मासूम बालक अश्वनी साहू का दिल्ली से लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद स्वस्थ होकर बैकुंठपुर लौटने के बाद जब वह श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े से मिलने उनके निवास सरडी पहुंचा, तो मंत्री उस मासूम बच्चे को हंसता खिलखिलाता देख भावुक हो उठे और उनकी आंखें नम हो गई। बच्चे को स्वस्थ देखकर मंत्री भैयालाल रजवाड़े रो पड़े। आपको बता दें कि इस गरीब परिवार के इस मासूम बच्चे के इलाज में लगभग 25 लाख रुपए खर्च आया है और इसके आगे की इलाज के लिए श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े अस्पताल में बॉन्ड भरकर शपथ पत्र दे दिया है कि अब इलाज में जो भी खर्च आएगा उसे स्वयं मंत्री जी करेंगे। अपने निवास स्थान सरडी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रम मंत्री भैयालाल रजवाड़े ने कहा कि जीवन से बड़ा कुछ नहीं, जीवन चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, यही निर्माणव विकास है, पुल पुलिया बनते टूटते व फिर बनते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुझे जनता ने सेवा करने का अवसर दिया है, इसलिए निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरे पास जब भी कोई किसी मदद के लिए आता है तो उसे निराश नहीं होने दिया जाता, उसकी हर संभव मदद करता हूँ। लोग आज भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा रहता है, लेकिन स्वार्थ को दरकिनारे रखकर हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म और यहाँ तक कि राजनीति भेदभाव को दरकिनार करके मैंने सिर्फ लोगों की मदद की है। कभी कभी यह बात भी उठती है कि आप विरोधियों का भी काम करते हो, तो ऐसे में मेरा जवाब होता है कि मैं सभी को एक नज़र से देखता हूँ, जनसेवा ही मेरा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर मध्यम रात काम कर रहा हूँ। मंत्री रजवाड़े ने कहा कि मैंने गरीबी को बहुत करीबी से देखा है, गरीबी में ही मेरा बचपन बीता है। इतनी गरीबी थी कि पैसे के अभाव में इलाज ना होने की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। पहले संसाधन की कमी थी, क्षेत्र की जनता ने मौका दिया, इसलिए विधायक के बाद संसदीय सचिव बनते ही मैंने लोगों के इलाज का बीड़ा उठाया है। उनके परिजन धन्यवाद दे रहे हैं, उनको उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। बच्चे का लीवर खराब था और इनके माँ बाप पूरे अस्पतालों में गए, दिखाए सब जगह, कहीं कोई इनको राहत नहीं मिला। दिल्ली भी गए थे इन्होंने, दिल्ली में भी दिखाए। शासन के हमारे बहुत सारी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री जी का बहुत सारी योजनाएं हैं, उस योजना के तहत यहाँ जो जितना लाभ मिलता है लोगों को मिलता है, नहीं होता है उनको हम दिल्ली से भी जाके कराते हैं। भावुक मैं इसलिए हो गया कि इसकी नई जिंदगी मिला। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं थोड़ा सा प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी का सहयोग मिला और वो ठीक ठाक होकर के आज मेरे सामने आया, खड़ा होकर के इतना बड़ा मतलब बच्चे को नई जिंदगी मिला, इसलिए मैं भावुक हो गया। इतना खुशी से हंस रहा है, मुझको मिठाई खिलाया, ये खुशी मेरे पास था और एक खुशी की आंख से आंसू निकला। शासन का योजनाओं का लाभ तो हम लोग को मतलब पूरी तरह से मिला है। पास कुछ भी सारा मतलब 2-3 लाख का बात था तो उतना करा लेते, पर 14-15 लाख पैसा यहाँ पे थोड़ी ना है, हम गरीब लोग कहाँ पाते हैं इतना ज्यादा पैसा, पर मंत्री के महानता से ही इतना ज्यादा पैसा उपलब्ध हुआ। अगर वो कोशिश नहीं करते तो कुछ नहीं होता। शुरू से ही रायपुर का शासकीय आवास सभी के लिए खुला था, जहां बैकुंठपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि कोरिया जिले के अलावा अन्य जिलों के लोग मरीज जाकर वहां इलाज कराते थे और उनका उपचार कराया जाता था। मेकाहारा से लेकर रायपुर के कई बड़े निजी अस्पताल में भी इलाज की सुविधा मेरे द्वारा कराई गई है। मरीज मेरे आवास पहुंचते थे, उनके रहने खाने के अलावा अस्पताल आने जाने की व्यवस्था की गई थी। मेरी शुरू से ही यही कोशिश रही है कि किसी भी मरीज की मौत इलाज या पैसे के अभाव में नहीं होनी चाहिए। आज हालात यह है कि प्रतिदिन लोग मुझसे मिलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या मरीज वर्ग की होती है। लोग बीमारी के अनुसार अस्पताल में उसका इलाज करा रहे हैं, जिसको मैं आर्थिक मदद से हर तरह की मदद करता हूं। जिला कोरिया से RNN न्यूज के लिए राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट।